अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज मैंने अम्मी की अपनी एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, जो कि है आलू की तिहारी या आलू वाले चावल, जो कि बहुत मज़े की बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तिहारी बना रही हूँ तो मैंने इसके लिए दो आलू ले लिए हैं और ऐसे क्यूब्स साइज़ में कट कर लिया है मैंने। एक मैं आपके सामने कट कर देती हूँ, साफ किया और फिर इसको एक और दफ़ा हाफ किया। अगर ये बड़ा है इस तरह का आलू तो एक और दफ़ा हम ऐसे हाफ कर लेंगे, ये इस तरीके से कट कर लेंगे। टू टमाटर लिए हैं मैंने, ये बड़े मीडियम साइज़ के टू टमाटर हैं मेरे पास, मैंने इसको भी हाफ कर लिया है। इस तरीके से इसको भी हम हाफ कर लेंगे। और कप मैंने राइस ले लिए हैं, ये वाले कप्स हैं, कप का टू कप मैंने राइस लिए हैं। इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 क्यूब मैगी हलाल स्टॉक का डालेंगे हम, इसका डालेंगे। आपके पास जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं, आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून 1 टीस्पून गरम मसाला है, सॉल्ट एड टू टेस्ट है। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी और 1 टेबल स्पून बटर डालूंगी। तो हमारी आलू की तहारी, और एंड में मैं हरी मिर्च का करके फिर दम दे दूँगी हमारी आलू। जी, तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और 2 to 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगी। और फिर इसको हम मेल्ट होने के लिए, प्री हीट होने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें बाकी सब कुछ, जिंजर गार्लिक पेस्ट और फ्राइड अनियन, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून ली है फ्राइड अनियन। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं हो तो आप स्मॉल अनियन लेके इसको आप गोल्डन ब्राउन कर लें और फिर उसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको भून के और फिर उसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। ये भी बहुत आसान सी और सिंपल सी डिश है जो कि हर कोई बना सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता और बहुत जल्दी बन जाती है। अब इसको हमने भून लिया है और रॉ स्मेल निकल चुकी है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, सॉरी आलू डाल दूंगी मैं इसमें। और इसको मेरे पास, मुझे एक बड़ा सारा लग रहा था तो मैंने इसको हाफ कर दिया है आलू को। तो इसको हम थोड़ी देर इसी बिना पानी डाले ऐसे ही 2 मिनट के लिए पकाएंगे, भूनेंगे, ताकि उसकी जो वो इसके अंदर जो वाइटमिन, जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं वो ज़ाया ना हो। 2 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अभी मैं इसके अंदर क्यूब्स डाल रही हूँ, चिकन क्यूब्स डाले हैं मैंने इसमें। आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। और हम अब बाकी सारा मसाला जो है वो सब डाल देंगे इसके अंदर और फिर इसको भूनेंगे इसी उस मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के थोड़ा सा, और मैं इसको फिर भून रही हूँ ताकि इसमें पानी, वो जो मसाला है वो ना लगे, क्योंकि मेरे पास फ्राइड अनियन थी तो फ्राइड अनियन लगने का डर होता है, जल जाती है फ्राइड अनियन। तो अब इसमें मैं 1/2 कप, 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और फिर इसके बाद हम इसको गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आलू जो है वो 1/2 घंटे में गल जाते हैं, अपने हिसाब से अपने उसमें देख लीजिएगा कि आपके आलू कैसे होते हैं। हमें पूरा आलू नहीं गलाना, इसको हमें थोड़ा सा हल्का सा सख्त रखना है आलू को। अब हम इसके अंदर टमाटर डाले हैं मैंने, टमाटर को आप बिल्कुल वैसे ही 1/2 बीच में से 2 करेंगे और इसके मैं छिलके निकाल लूँगी और फिर इसको मैश कर दूँगी, क्योंकि छिलके फिर मुंह में आते हैं तो फिर उसके वो टेस्ट बिल्कुल मज़ा नहीं आता वो निकालना वो करना। तो और फिर उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसी उसमें टमाटर और आलूओं को अच्छे तरीके से। और फिर हम, ये मैंने 2 कप चावल लिए थे, इसको मैंने 1/2 घंटा भिगो दिया था और अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ और फिर मैंने इसमें पानी डाला है। चावल ऑलरेडी भीगे हैं तो मैंने इसके अंदर, मेरे पास 2 कप चावल थे तो मैंने 1.5 कप पानी डाला है इसके अंदर।
और फिर हम इसको अब पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसका हम नमक चेक करेंगे जब इसमें बॉइलिंग आनी शुरू हो जाएगी। जब बॉयल आने, ये देखें बॉइलिंग आनी शुरू हो गई है, इसका हम नमक चेक करेंगे और फिर इसको और पानी ड्राई करेंगे इसका। मेरा नमक इसे मुझे कम लगा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाला था। नमक आप कम ही डालेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे उसमें मैंने क्यूब्स भी डाला है चिकन का, तो इसलिए नमक हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे इसमें। तो मैंने इसमें नमक थोड़ा और डाला था और फिर इसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके पानी पूरा थोड़े देखें ड्राई होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें एक हरी मिर्च डाल दूंगी और फिर हम इसको दम पे रख देंगे हाफ आवर के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे। और हाफ आवर के बाद हम फिर इसको मिक्स करके निकालेंगे। तो देखें वाव कितनी माशाल्लाह कितना अच्छा चावल पक्का है, खिला खिला सा, और आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर भी बिल्कुल गल गए। देखें कितना अच्छा खिला खिला चावल है और बहुत ही मज़े का है। इसको आप पुदीना और हरी मिर्च का जो रायता है उसके साथ खाएं, या प्लेन रायते के साथ खाएं, सैलड के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का ये बनती है डिश। और ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।